नमस्कार दोस्तों, इजी लॉ स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपसे बात करूंगा एडवर्स पोजीशन को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम मान लीजिए एडवर्स पोजीशन क्लेम करते हैं। मान लीजिए कि आपका कब्जा जो है किसी ज़मीन पर 12 साल से ज़्यादा है, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, या किसी सरकारी ज़मीन पर 30 साल से ज़्यादा कब्जा है और आप एडवर्स पोजीशन के मार्फत अपने आप को मालिक समझते हैं। क्या होगा कि अगर आपको वो एडवर्स पोजेशन कोर्ट में साबित करना पड़ जाए? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का आइडिया मेरे को तब आया जब मेरे एक क्लाइंट जो है वो मेरे पास एक दस्तावेज़ लेके आए। वो दस्तावेज़ था एक एग्रीमेंट टू सेल, जो बहुत पुराना था, वो 90s का था। और उस एग्रीमेंट टू सेल में क्या था कि गांव के ही एक बुज़ुर्ग ने मेरे क्लाइंट को एक ज़मीन जो है वो एग्रीमेंट टू सेल के मार्फत दे दी। और रजिस्ट्री उन दिनों उन्होंने नहीं करवाई, पैसे की तंगी होती थी, तो उन्होंने स्टाम्प बचाने के कारण वो एग्रीमेंट टू सेल पे ही खुद को मालिक समझ लिया। और उनको यूँ था कि भाई इसका कोई बेटा नहीं है, ये अपनी बेटियों के पास जा रहा है, यहाँ से माइग्रेट करके अपनी बेटियों के पास चला जाएगा, तो बाद में कौन इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ आके यूँ कहेगा कि मेरी है। तो दोस्तों, वो बुज़ुर्ग जो है ज़मीन एग्रीमेंट टू सेल पे दे के चले गए। जैसे ही रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन हुआ तो कुछ टाइम पहले जो बुज़ुर्ग थे उनकी बेटी की बेटी, मतलब कि उनकी द्योती कहीं नातिन, तो उसने ऑनलाइन जो है गांव की ज़मीन चेक करी तो उनके नाना के नाम प्रॉपर्टी मिली। अब नाना के नाम पे कोई प्लॉट था तो उनको लगा कि भाई ये तो एक सरप्राइज़ हो गया। नाना ने तो बताया था कि मैं बेच के आ चुका हूँ, तो उन्होंने आगे कहा कि ये तो हमारे नाना के नाम बोलती है, ये ज़मीन तो हमारी है। तो मेरे जो क्लाइंट थे उनको इनसिक्योरिटी फील हुई और वो आए कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन अगर कभी आती है कि मान लीजिए सामने वाली पार्टी सूट फॉर पोजेशन कर दे, कब्जे का दावा कर देती है कोर्ट में, या मान लीजिए आपको ही एक टाइटल सूट डालना पड़े कि भाई आप जो है टाइटल साबित करके अपने आप को एडवर्स पोजेशन के थ्रू मालिक बताना चाहते हो, तो क्या आप उसको साबित कर पाएंगे? एक असमंजस की स्थिति है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 8 से 10 ऐसे दस्तावेज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके एडवर्स पोजेशन के क्लेम को सपोर्ट करते हैं। तो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं 12, 15, 20 साल पहले जो दस्तावेज़ थे, जिनमें जो एड्रेस लिखा होता था और डेट ऑफ इश्यूएंस उस आईडी की होती थी, वो सबसे पहली आईडी थी होती वोटर कार्ड। अब वोटर कार्ड जो आईडी थी उसमें आपका हाउस नंबर, मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी पर काबिज़ हैं, उस पर पंचायत की किसी स्कीम में हाउस नंबर लग गया है और उस कब्जे वाली जगह पर आपका वोटर कार्ड बना हुआ है और वो उसके ऊपर डेट ऑफ इश्यूएंस जो लिखी हुई है वो 12 साल से ज़्यादा की है, तो वो आपके क्लेम को सपोर्ट करेगा। उसके बाद आप अगर मान लो आने वाले टाइम में हम बात करेंगे कि भाई एडवर्स पोजेशन की, तो आगे जो आधार कार्ड है अगर वो उसी एड्रेस का बना हुआ है तो वो भी एडवर्स पोजेशन के क्लेम को आगे फर्दर सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर भी एड्रेस है, उसको भी एड्रेस प्रूफ के तौर पे देखा जा सकता है। राशन कार्ड बहुत पुराने दस्तावेज़ हैं, आजकल ऑनलाइन आते हैं जिनमें प्रॉपर्टी आईडी के तरीके से बना होता है, लेकिन पहले जो राशन कार्ड थे उनमें मोहर लगी होती थी जो फूड एंड सप्लाई ऑफिसर है उनके दफ्तर की, तो उसमें भी जो है अब वो एक एडवर्स पोजेशन में आपके पोजेशन के क्लेम को सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद एक दस्तावेज हम बात करेंगे, म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट। मान लीजिए वो लाल डोरा जो है वो म्यूनसिपल लिमिट्स में आता है, कोई शहर का अगर मामला है, तो अब कोई भी प्रॉपर्टी है जो बेशक मलकियत आपके नाम नहीं है लेकिन टैक्स रिकॉर्ड्स में आपके नाम है, आप उस प्रॉपर्टी के काबिज होने के नाते उसका टैक्स भर रहे हो, तो वो जो टैक्स की रसीदें होंगी, टैक्स का रिकॉर्ड होगा, चाहे वो 10 साल पुराना है, चाहे 20 साल पुराना है, चाहे 30 साल पुराना है, वो टैक्स का रिकॉर्ड आपके क्लेम को सपोर्ट करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिल। जी हाँ दोस्तों, मीटर जो है आजकल डिजिटल हैं, पहले वो गोल चक्के वाले होते थे, ब्लैक कलर के मीटर देसी, तो उन मीटर से लेके आज तक अगर आपका किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको मलकियत की ज़रूरत नहीं है किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी या कनेक्शन देने के लिए। अगर कहीं कोई खोखा लगा के भी बैठेगा, कोई अनऑथराइज पोजेशन में ही बैठा होगा और वहाँ भी अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के थ्रू अप्लाई करेगा, या कोई किराएदार है वो किसी रेंट नोट के थ्रू भी अगर इलेक्ट्रिसिटी या कनेक्शन मांगेगा तो उसको कनेक्शन मिल जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का बिल
जितना पुराना होगा उतना ही आपके फेवर में होगा, क्योंकि वो एक कब्जे का ही सबूत है। तो इस प्रकार जो वाटर कनेक्शन बिल है, मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जो लाल डोरे में है और शहरी उसमें है एरिया में, तो अगर वहाँ वाटर कनेक्शन लगा हुआ है और उनके भी बिल आते हैं तो वो भी आपको क्लेम को सपोर्ट करेगा। उसके साथ मॉडर्न टाइम्स की हम बात करें, जब जो ईंधन है वो गैस कनेक्शन के रूप में हो गया, तो जो सिलेंडर है वो आपके एड्रेस पे ही डिलीवर होता है। तो अगर आपका एड्रेस जो है, आपकी गैस कनेक्शन जो पासबुक है वो बुक है, उसमें आपका एड्रेस वही है जहाँ पे आप रह रहे हैं और जहाँ जिस प्रॉपर्टी का आप एडवर्स पोजेशन क्लेम करना चाहते हैं, तो वो भी आपके कब्जे का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ऐसे ही और आपके बैंक, जी हाँ दोस्तों, एड्रेस के प्रूफ के रूप में बैंक पासबुक को जो है ना वो माना जाता है। जहाँ कहीं आपको एड्रेस का प्रूफ देना हो तो बैंक पासबुक जो है एक मान्य दस्तावेज़ है। कारण ये है कि भाई जो बैंक की पासबुक आती है, ठीक है, आजकल हम देखते हैं अगर हम कोई चेकबुक भी अप्लाई करते हैं तो वो भी डायरेक्ट एड्रेस पे आती है। अगर कोई ऐसा वो हम कोई पासबुक में कोई अगर वो चेंज करवाते हैं, कुछ ऐसा हमारा एटीएम अगर मान लो ब्लॉक हो गया है तो हम दूसरा अप्लाई करते हैं, वो भी आजकल एड्रेस पे रजिस्टर्ड पोस्ट से डायरेक्ट आता है। तो वो पासबुक को जो है ना एक क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी रहती है कि भाई पासबुक जो है वो एड्रेस का प्रूफ है। इसी प्रकार अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है, अब कोई बंदा कोई झूठा एड्रेस प्रूफ देके तो कोई लाइसेंस नहीं बनवाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर जब भी कोई चालान कटेगा या कोई चिट्ठी आएगी तो वो उसी एड्रेस पे आएगी। तो इस प्रकार जो ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वो किसी के पास पहले पुराने टाइम का है, अपना हाउस नंबर उस पर लिखा हुआ है और वो ही प्रॉपर्टी वही है जिसके ऊपर हम एडवर्स पोजेशन क्लेम कर रहे हैं, तो वो भी आपके क्लेम को सपोर्ट करेगा। आजकल तो बल्कि ऐसा है कि आप ऑनलाइन अगर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करके टेस्ट करके दे के आते हैं तो वो एड्रेस पे ही डायरेक्ट RC गाड़ी की और लाइसेंस वो डायरेक्ट एड्रेस पे आते हैं। तो ये भी एक प्रकार के प्रूफ हैं। किसी के पास कोई पुराना बीमा है, कोई LIC का कोई क्लेम है, क्योंकि अब LIC की जो किस्तें होती हैं वो आप बेशक जाके दफ्तर में भराएं, लेकिन जो चिट्ठियाँ आती हैं वो आपके एड्रेस पे ही आती हैं, तो उसमें भी आपका एड्रेस लिखा होता है हर रिसिप्ट के अंदर। तो इस प्रकार जो, अगर सबसे पहली बात पे आ जाते हैं फिर से, आपके पास अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल है, मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी आप रह रहे हो उसकी आपने प्रॉपर्टी अपने नाम रजिस्ट्री करवाई नहीं है, ठीक है जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दील करवाया नहीं नाम, लेकिन आप सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल जो स्टाम्प बचाने के चक्कर में आपने एग्रीमेंट टू सेल लिखवाया था, बयाना लिखवाया था, फुल पेमेंट एग्रीमेंट लिखवाया था, आप उसके बेस पे ही काबिज हो गए थे, तो वो भी एक जेन्युइन प्रूफ रहता है साबित करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बाकायदा लिखा होता है कि भाई मैं फलां सनो फलां ये एक्स बंदे को ज़मीन बेच रहा हूँ, इतने रुपए मैंने ले लिए हैं, उसके बाद इसको जो है कब्जा मौके पे करवा दिया है। तो ऐसे में उसके वारिस आके अगर कल को कहेंगे कि भाई नहीं ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, तो आप जो है उस एग्रीमेंट को साबित करके अपने कब्जे को साबित कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपने जाना कि ऐसे कौन से दस्तावेज़ हैं जो आपके कब्जे के प्रूफ को जो है सपोर्ट करते हैं, एडवर्स पोजेशन कोर्ट में साबित करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।